नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 मार्च, दिन शनिवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 1 जुलाई से 3 नए कानून होंगे लागू। ठगी से संबंधित कॉल को लेकर एडवाइजरी हुई जारी। पुलिस ने लाखों के नकली नोट को किया बरामद। प्रदेश में आज अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। बिहार के स्कूल के समय में बदलाव नहीं होने पर एमएलसी नीरज कुमार ने डीईओ को लिखा पत्र। चुनाव में उपयोग होने वाले स्याही का आसानी से नहीं मिटने का जाने कारण। आईपीएल 2024 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती। ऑफिसर के पदों पर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 143 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://bankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत अभियान स्केल 4 तक विभिन्न स्ट्रीम में ऑफिसर्स के पदों पर बहाली होगी। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। बिहार में 1 जुलाई से 3 नए कानून होंगे लागू। बिहार में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत पुलिस कर्मियों के थाने को अपडेट किया जा रहा है। साथ ही कई काम अब कागज के बदले डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। तलाशी और जब्ती अभियान अब ऑडियो और वीडियो माध्यम से किए जाएंगे। दरअसल भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म होने वाले हैं। इसके साथ ही अब ऐप के जरिए आईओ नए कानून के बारे में जानकारी ले सकेंगे। पहली बार सजा में सामुदायिक सेवा देने का प्रावधान किया गया है। मालूम हो कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब बीएमएस में 358 धाराएं होंगी। नए कानून में 3 नए अपराध हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मां पूरन देवी मंदिर के बारे में। मां पूरन देवी मंदिर पूर्णिया का एक प्रसिद्ध मंदिर है। पूरन मां महाकाली के ही रूप है। यहां पर धर्मशाला बनी हुई है जहां पर सभी लोग रुक सकते हैं। ये धर्मशाला सार्वजनिक है। यहां पर मंदिर के पीछे आपको एक तालाब देखने को मिलेगा। ये तालाब बहुत ही सुंदर है। तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले भी दिखाई देंगे। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आप सच्चे मन से माँ से विनती करते हैं तो आपकी माँ सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। यहाँ पर आकर शांति की अनुभूति होती है। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। ठगी से संबंधित कॉल को लेकर एडवाइजरी हुई जारी। ठगी से संबंधित कॉल को लेकर एडवाइजरी दूर संचार विभाग ने जारी कर दी है। सरकार की ओर से संचार साथी पोर्टल चक्षु रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशंस पर इस तरह के कॉल की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। दूर संचार विभाग के नाम पर मोबाइल नंबर को बंद करने की धमकी देने पर इसकी शिकायत की जा सकती है। वित्तीय धोखाधड़ी के मकसद से साइबर ठग व्यक्तिगत जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की शिकायत करना जरूरी है। साथ ही इन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देनी चाहिए। संचार साथी पोर्टल https://sancharsathi.gov.in पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिक संचार साथी पोर्टल https://www.india.gov.in spotlight/sancharsathi-portal पर मोबाइल कनेक्शन की जांच संभव है। दरभंगा गया राजगीर से होली स्पेशल ट्रेनों का बढ़ा फेरा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा कई होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। लोगों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का ऐलान किया है। वहीं अब इनके फेरों में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे की ओर से अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। दरभंगा गया एवं राजगीर से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। राजगीर आनंद विहार होली स्पेशल, गया आनंद विहार अनारक्षित सुपर फास्ट होली स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली अनारक्षित होली स्पेशल, भागलपुर नई दिल्ली होली स्पेशल, आनंद विहार राजगीर होली स्पेशल का रेलवे के द्वारा परिचालन हो रहा है। वहीं राजगीर आनंद विहार होली स्पेशल ट्रेन में 20 स्लीपर क्लास के कोच लगाए जाएंगे। इधर पटना सिकंदराबाद स्पेशल में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। कश्मीर में बिहार के 9 लोगों की गई जान। कश्मीर में बिहार के 9 लोगों की जान चली गई है। मिशन सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई है। बताया जाता है कि ये मजदूरी करने के लिए कश्मीर गए थे लेकिन हादसे का शिकार हो गए। ये सभी लोग बिहार के बगहा के रहने वाले थे। एक ही गाड़ी पर सवार होकर सभी मजदूर रामबान इलाके में जा रहे थे। इसी दौरान इनकी बोलेरो 300 फीट की गहरी खाई में जा गिरी। इसमें बिहार के 9 लोगों की जान चली गई।
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव के लिए काम में लग गई है। वहीं इस घटना पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर को आज दिया जाएगा भारत रत्न। आज कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में इनके लिए समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार के साथ ही इस कार्यक्रम में एनडीए के कई नेता शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने राजनीति के साथ ही सामाजिक बदलाव में अपना योगदान दिया था। ये बिहार में 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। बिहार में 2 IAS और 1 IPS अधिकारी का तबादला। बिहार में एक बार फिर से बड़े अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई है। दरअसल बिहार में 2 IAS और 1 IPS अधिकारी का तबादला किया गया है। तबादले से जुड़ी अधिसूचना बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग द्वारा जारी की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक श्री शशांक शेखर विशेष सचिव जल संसाधन विभाग बिहार पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना बिहार पटना के पद पर स्थापित किया गया है। साथ ही श्री सिन्हा अगले आदेश तक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। चुनाव में उपयोग होने वाली स्याही का आसानी से नहीं मिटने का जाने कारण। चुनाव में उपयोग होने वाली नीली स्याही का आसानी से नहीं मिटने का कारण है। दरअसल वोट डालने के दौरान अधिकारी मतदाता की उंगली पर नीली स्याही का निशान लगा देते हैं। इससे ये पहचान होती है कि किसने वोट कर दिया है। मैसूर पेंट एंड वर्निस लिमिटेड कंपनी की ओर से इसका निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग सिर्फ चुनावों में ही होता है। मालूम हो कि स्याही को 72 घंटे तक त्वचा से हटाना संभव नहीं है। इसका कारण है कि इसमें मौजूद सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक से मिल जाता है और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। ये पानी इसमें घुलने के बाद त्वचा में मिलता रहता है। इसे साबुन से हटाना संभव नहीं है। पानी के संपर्क में आने के बाद इसे मिटाना और मुश्किल हो जाता है। पुलिस ने लाखों के नकली नोट को किया बरामद। गोपालगंज की पुलिस ने जाली नोट गिरोह का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में लाखों के जाली नोट को बरामद किया गया है। साथ ही 2 आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इसे खपाने की तैयारी की गई थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 1,04,100 रुपये को बरामद किया है। जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के मधु सरैया गाँव का है। गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि जाली नोट के गिरोह का खुलासा हुआ है। सूचना मिली थी कि बड़े पैमाने पर इसे चुनाव में खपाने की तैयारी थी। पुलिस इस घटना को बड़ी कामयाबी मान रही है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामायण तिवारी के बारे में। रामायण तिवारी एक बॉलीवुड अभिनेता थे जो अपने उपनाम तिवारी से प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने 36 साल के लंबे फिल्मी करियर में लगभग 125 फिल्मों में काम किया। इन्होंने मधुमति, यहूदी, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा साया, कल आज और कल जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। ये मूल रूप से बिहार के पटना के मनेर के रहने वाले थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 9 मार्च 1980 को मुंबई में इनका निधन हो गया। बिहार के स्कूल के समय में बदलाव नहीं होने पर MLC नीरज कुमार ने DEO को लिखा पत्र। बिहार के स्कूल के समय में बदलाव नहीं होने पर जदयू के MLC नीरज कुमार ने DEO को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में दिए गए आश्वासन का पालन होना चाहिए। इसके अंतर्गत राज्य में सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होना चाहिए। राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ये पत्र भेजा गया है। सुकन्या समृद्धि पर 1 अप्रैल से नोटिफिकेशन होगा लागू। सुकन्या समृद्धि पर सरकार की ओर से अपडेट सामने आया है। स्मॉल सेविंग स्कीम में 1 अप्रैल 2024 से ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून को खत्म होने वाली नए वित्त वर्ष को की पहली तिमाही के लिए पहले जैसी होगी। 1 अप्रैल से नया नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा। जमा करने वाली राशि में 8.2% की ब्याज दरें मिलेंगी। ये पहली जैसी ही होगी। 115 महीने में ये स्कीम मैच्योर हो जाएंगे। मंथली इनकम पर निवेश करने से 7.4% ब्याज दरों का फायदा मिलेगा।
प्रदेश में आज अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। उत्तर पश्चिम हवा के प्रवाह से प्रदेश में कुछ जगहों पर मौसम शुष्क देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल भी छाए हुए हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। आज प्रदेश में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज और अन्य जिलों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश के दक्षिणी भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और 34 से 36 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। पटना के जू और पार्क दर्शकों के लिए खोले। पटना के जू और पार्क को दर्शकों के लिए खोल दिए गए हैं। मालूम हो कि होली के कारण इन्हें बंद किया गया था, वहीं अब होली खत्म होते ही इसे फिर से खोल दिया गया है। चिड़ियाघर को बदले हुए समय में संचालित किया जा रहा है। पटना जू को सुबह 5 बजे से 8 बजे तक के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए खोला जा रहा है। वहीं होली को लेकर पर्यटकों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। आम दिनों में यहां 5 से 6 हजार तक लोग आते थे। जानकारी के अनुसार कई लोग होली के मौके पर पटना से अपने अपने घर चले गए हैं, इसलिए चिड़ियाघर और पार्कों में कम लोग आ रहे हैं। आपको बता दें कि पटना जू को सुबह के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के लिए संचालित किया जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने नए थीम को किया लॉन्च। लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में भाजपा ने पटना में बीते दिन अपने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। साथ ही भाजपा ने नए थीम को लॉन्च किया है। बिहार संग मोदी और मोदी संग बिहार के गीत को लॉन्च किया गया है। विनोद तावड़े ने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि पहले चरण के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन कर लिया है और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार की 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के बाद तेजस्वी यादव ने दिया बयान। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। इसके बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने गठबंधन और चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में बिहार में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में 5 दल है, इसमें सीटों का बंटवारा हो गया है। वहीं एनडीए में कई लोगों को जगह मिली ही नहीं है, कई लोग आ चुके हैं। उस हिसाब से इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और ये जनता का गठबंधन है। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली लोकसभा सीट से चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार तय। समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली लोकसभा सीट से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। 3 सीटों पर पार्टी के द्वारा बड़े फैसले लिए गए हैं। पुराने सहयोगियों को बे टिकट कर दिया गया है, वहीं 2 खास लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए में चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई हैं, सभी पर प्रत्याशी के नाम फाइनल हो गए हैं। खगड़िया सीट पर राजेश वर्मा के नाम पर मुहर लग गई है, ये एक व्यापारी है और आभूषण के कारोबार से जुड़े हैं। समस्तीपुर से सांभवी चौधरी को टिकट दिया गया है, ये बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है। वैशाली सीट से पुरानी साथी वीना देवी के नाम पर सहमति बनी है। वहीं जमुई की सीट से चिराग पासवान की बहनोई अरुण भारती प्रत्याशी है, जबकि हाजीपुर की लोकसभा सीट से चिराग पासवान को चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने का फिर किया दावा। महागठबंधन में सीट बंटवारा हो चुका है और पूर्णिया की लोकसभा सीट राजद के खाते में गई है। ऐसे में कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर से पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ये वो कांग्रेस के सिंबल पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए वो 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। बीते दिन पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे। कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात कही। LIC सहित कई बीमा कंपनी शनिवार और रविवार को भी रहेंगे ओपन। LIC सहित कई बीमा कंपनी शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। 30 और 31 मार्च को LIC का ऑफिस खुला रहेगा, ऐसा 31 मार्च को देखते हुए किया गया है। दरअसल 31 मार्च चालू वित्त वर्ष का आखिरी दिन है, ऐसे में ग्राहकों को आखिरी दिन फाइनेंशियल ईयर से जुड़े काम को निपटाने में आसानी हो, इस कारण से ही ये फैसला लिया गया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से पॉलिसी होल्डर्स की सुविधा को देखते हुए 30 और 31 मार्च को बीमा कंपनियों के ऑफिस को खोलने की सलाह दी गई है। वहीं इस दौरान बैंकों में भी काम जारी रहेंगे, साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस भी इस दौरान खुला रहेगा।
IPL 2024 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। IPL 2024 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होने जा रहा है। ये इस सीजन का 11वां मुकाबला होगा। इसमें ये दोनों ही टीम जीतने का प्रयास करेंगी। एकाना क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। लखनऊ टीम की इस बार कोशिश रहेगी कि वो पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच जीतकर अपने जीत का खाता खोले। वहीं पंजाब किंग्स भी अपनी पिछली हार को भूलकर मैदान में जीतने के मकसद से उतर रही है। केएल राहुल की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। सभी की निगाहें टीम के बेहतर प्रदर्शन पर बनी रहेंगी। आपके अनुसार लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाला आज के मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1992 में भारतीय सिनेमा के युग पुरुष सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय करके बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। इसी वजह से आज राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1908 में भारतीय महिला निशानेबाज खिलाड़ी यशस्विनी सिंह देसवाल का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1908 में भारतीय अभिनेत्री देविका रानी का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1664 में गुरु हरकृष्ण सिंह दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये सिखों के 8वें गुरु थे। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे मतदान नहीं करने वाले युवाओं के बैंक खाते से कटेंगे 350 रुपए के बारे में। इन दिनों पूरे देश में चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर जगह तैयारी तेज है, लेकिन अब इसी बीच आगामी चुनाव को लेकर एक खबर वायरल हो रही है। वायरल हो रहे इस खबर के तहत ये दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे यानी वोट नहीं देंगे, चुनाव आयोग द्वारा उनके बैंक खाते से 350 रुपए काट लिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए वायरल हो रहे ऐसी खबरों पर विश्वास करने से बचें। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिले के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 तक न्यूनतम 6 साल की होनी चाहिए। नामांकन के लिए 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। दूसरी ओर कक्षा 2 और ऊपर की कक्षाओं में 1 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये 10 अप्रैल तक चलेगी। वहीं सीट के खाली होने पर भी कक्षा 1 के साथ ही अन्य कक्षा में दाखिला लिया जा सकेगा। KVS के आधिकारिक वेबसाइट https://kvsangathan.nic.in पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेजों की AI से होगी निगरानी। मेडिकल कॉलेजों की AI से निगरानी होगी। गलत डेटा अपलोड करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मेडिकल कॉलेजों में आधार से लिंक बायोमेट्रिक से हाजिरी होती है। संस्थान के फैकल्टी के साथ ही कर्मियों की जानकारी AI के माध्यम से लिया जा रहा है। संस्थान के पोर्टल पर इससे संबंधित जानकारी देनी होगी। वहीं पहले लोगों को असेसमेंट के लिए जाना पड़ता था, अब फीस के साथ ही डेटा को ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल तक देना पड़ेगा। इसकी जानकारी संस्थान के पोर्टल पर देनी होगी। परीक्षा की वीडियोग्राफी होगी। वहीं मरीजों की निगरानी आभा ID से की जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसे UPSC में निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मनोज सोनी को, ऑप्शन बी है हंसा मिश्रा को, ऑप्शन सी अमित कुमार को, ऑप्शन डी है गोविंद सिंह को। इसका सही उत्तर है हंसा मिश्रा को। हाल ही में किस हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? ऑप्शन ए है कोलकाता हाई कोर्ट ने, ऑप्शन बी है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ऑप्शन डी है मुंबई हाई कोर्ट ने। इसका सही उत्तर है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हाल ही में किसने मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिलीप मंडल ने, ऑप्शन बी अमित गोयल ने, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा ने, ऑप्शन डी प्रहलाद जोशी ने। इसका सही उत्तर है मनोज सिन्हा ने। बिहार में दिन व्यापारियों ने कहां व्यापारी कोठी खोली थी? ऑप्शन ए है भागलपुर में, ऑप्शन बी है बेतिया में, ऑप्शन सी है फतुहा में, ऑप्शन डी है पटना सिटी में। इसका सही उत्तर है पटना सिटी में। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन ए है मीर जाफर ने, ऑप्शन बी है अली वर्दी खान ने, ऑप्शन सी है मीर कासिम ने, ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला ने। इसका सही उत्तर है मीर कासिम ने।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुकेश कुमार, राजीव कुमार, मनोज राम, आर्यन सिंह, जितेंद्र ठाकुर, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र सिंह, राजेश मांझी, आनंद मंडल, पशुपति पारस, अमरेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार यादव, श्याम नारायण झा, शिवनंदन कुमार, सुमन कुमार मिश्रा, राजेश कुमार, कुमारी किरण। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, आप अपने जीवन में किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।